आपकी प्रॉपर्टी है आपकी शक्ति, आपके सपनों को पूरा कीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ। चाहे हो आपका बिजनेस एक्सपांशन प्लान या फिर पर्सनल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद अवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज ही क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी से संपर्क कीजिए। इजी प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फास्ट अप्रूवल, हैसल फ्री डोर स्टेप प्रोसेस। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। जब सरकारी स्कूल में हुई चोरी की शिकायत लिखने में 6 दिन लग जाएं तो आम लोगों की पुलिस क्या सुनती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल सेंट्रल पुलिस स्टेशन की हद कैंप नंबर 3 स्टेशन रोड मनपा स्कूल नंबर 25 स्वामी धर्मदास साहिब विद्यालय से 12 जून दोपहर से 13 जून सुबह के बीच 10,000 कीमत के 10 पंखे चोरी हुए। सूत्रों के अनुसार इसके तुरंत बाद लिखित शिकायत सेंट्रल पुलिस स्टेशन में की गई, पर पुलिस ने FIR दाखिल नहीं किया। स्कूल की मुख्याध्यापिका गार्गी संजय चतुर्वेदी की अथक कोशिशों के बाद 6 दिन के उपरांत सेंट्रल पुलिस ने मुख्याध्यापिका की फरियाद पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। इस घटना के बाद मनपा अधिकारी डॉक्टर सुभाष यादव ने स्कूल नंबर 25 का दौरा किया। स्वामी धर्मदास साहेब विद्यालय शाळा नंबर 25 उल्हास स्टेशन जवळ या शाळेमधील विविध वर्गखोल्यातील 10 पंखे चोरी गेल्याची लेखी तक्रार व गुन्हा दाखल केलेला आहे। येथील मुख्याध्यापक गार्गी चतुर्वेदी यांनी काल पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्या अनुषंगानं पाहणी केली असता असे निरीक्षण आलेले आहे की कोणीतरी अज्ञात इसपाने एक पत्राचा दरवाजा आहे त्या दरवाजा वाकवून त्यातली कडीकोंडे काढून कदाचित चोरी केली असावी असा कयास आहे। तरी ह्या गुन्हा दाखल केलेल्यानुसार पोलीस अधिकारी आपलं त्यात काम तपासणी करतील आणि काय तो निर्णय निघेल आणि तपास यंत्रणेमार्फत जे काही आपल्याला कोणी गुन्हेगार सापडले ते पोलीस यंत्रणा त्याच्यावर कारवाई करेल। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।